Hello everyone, let's start exercise 7.1 of chapter 7 that is cubes and cube roots for class 8. So, firstly, you can see here what is the symbol of cube root. Okay, so this is the symbol of cube root. Square root ki symbol mein. केवल ये साइन होता है लेकिन क्यूब रूट के सिंब, सिंबल में इस साइन के ऊपर हम यहाँ पर थ्री लिख देते हैं तो इस ये होता है आपका क्यूब रूट का सिंबल ठीक है जिस तरह से स्क्वायर में अगर हम मैं आपसे कहूँ कि फोर का स्क्वायर क्या होगा सो वॉट विल यू डू आप फोर का स्क्वायर करने के लिए क्या कर देंगे फोर की पावर टू लगा देंगे और फिर फोर का मल्टीप्लाई टू टाइम्स कर देते हैं तो फोर फोर्ज़ा सिक्सटीन आ जाता है अब बात करते हैं क्यूब की तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर का क्यूब क्या होगा तो हम पावर लेते हैं थ्री ओके सो अब आप कैसे फाइंड आउट कर देंगे फोर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो फोर फोर्जा सिक्सटीन फोर्ज़ा सिक्सटी फोर तो फोर का क्यूब क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम उस नंबर की कितनी पावर यूज़ करते हैं थ्री पावर यूज़ करते हैं यानी कि उस नंबर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ओके okay? सो नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स यहाँ आपसे पूछा है कि यहाँ कुछ नंबर्स गिवन हैं और इन नंबर्स में आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं ओके सो फॉर दैट फर्स्ट इज़ 216. तो ये पता करने के लिए कि ये जो नंबर्स गिवन हैं ये परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ओके सो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 सबसे पहले टू से डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स 108 टाइम्स नाउ वन हंड्रेड वन अगेन टू टू से 54 टाइम्स नाउ 54 फोर टू से 27 टाइम्स अब 27 सेवन टू से तो डिविजिबल नहीं है तो अब हम चेक करेंगे क्या थ्री से है देन यस थ्री से कितने टाइम्स नाइन टाइम्स नाइन थ्री से थ्री टाइम्स और थ्री थ्री से वन टाइम तो हमें एस फैक्टर्स और वी कैन से एज़ प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल गए यहाँ पर टू मिला थ्री टाइम्स और थ्री मिला थ्री टाइम्स ओके सो क्योंकि हम यहाँ पर ये यह फाइंड करने वाले हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो फॉर दिस हमें क्या करना होता है ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं यानी कि दो जो ये जो नंबर्स आते हैं या फैक्टर्स आते हैं इनके इनको हम ट्रिपलेट्स में ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर टू के ट्रिपलेट्स कम्पलीट हो रहे हैं ट्रिपलेट मीन्स तीन नंबर्स तीन नंबर्स का पेयर बनाएंगे हम तो तीन नंबर्स का पेयर आपने बनाया तो Uh, ये आपका देखिए टू में तो कंप्लीट uh, हो रहे हैं क्योंकि टू थ्री टाइम्स ही है और थ्री भी कितने टाइम्स है थ्री टाइम्स यानी कि थ्री का ट्रिपलेट भी पूरा हो रहा है तो देखिए अगर ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं अगर ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो देखिए लिख, यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ टू आर इन ट्रिपलेट्स सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं टू के ये किस में है ट्रिपलेट्स में है सो टू इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर इसलिए टू एक परफेक्ट क्यूब नंबर है अगर इसमें कोई डिजिट ऐसी रह जाती या कोई फैक्टर ऐसा रह जाता कि जो कि इस ट्रिपलेट में नहीं आता सपोज जो थ्री है वो एक टाइम एक और होता फोर टाइम्स होता तो ट्रिपलेट एक थ्री का ये वाला ट्रिपलेट तो पूरा हो गया लेकिन ये थ्री रह जाता तो अगर कहीं पर ट्रिपलेट के बाद कोई डिजिट या नंबर रह जाता है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता है क्योंकि यहां पर ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है इसलिए टू एक परफेक्ट क्यूब नंबर है नाउ सी सेकेंड वन इज वन हंड्रेड ट्वेंटी एट तो वन हंड्रेड ट्वेंटी एट के हम यहां पर अगेन क्या करेंगे यही प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो so, टू से डिविजिबल हो जाएगा सिक्सटी फोर टाइम्स अगेन सिक्सटी फोर टू से थर्टी टू टाइम्स थर्टी टू टू से सिक्सटीन टाइम्स सिक्सटी टू से एट टाइम्स एट टू से फोर टाइम्स और फोर टू से टू टाइम्स और टू टू से वन टाइम तो आपको यहां पर सारे प्राइम फैक्टर्स मिले देखिए टू कितने टाइम्स यहाँ पर सेवन टाइम्स है ओके okay? तो so, अब ट्रिपलेट बनाया आपने तो देखिए ये ट्रिपलेट पूरा हो गया तीन तीन बार टू ले लिया हमने ऐसे ही फिर सेकेंड ट्रिपलेट पूरा हो गया मैंने यहाँ पर साइन लगाया हुआ है अब देखिए पर क्या हुआ ये वाला टू एक एक्स्ट्रा बचा तो अब हम पर क्या कहेंगे? So, यहां हेयर टू इज़ लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट ऑफ़ ऑल द नेक्स्ट वन दैट इज वन थाउजेंड वन थाउजेंड सबसे पहले किससे डिविजिबल हो जाएगा टू से कितने बार 500 बार आप प्राइम फैक्टर्स अब समझ गए हैं किस तरह से करने हैं फिर आप अगेन टू से करेंगे 250 आ जाएगा फिर अगेन टू से 125 अब 125 ट्वेंटी टू से डिविजिबल नहीं है थ्री से नहीं है फोर से नहीं है लेकिन फाइव से है कितने टाइम्स 25 टाइम्स 25 फाइव से फाइव टाइम और फाइव फाइव से वन टाइम तो आपको थाउजेंड के जो प्राइम फैक्टर्स मिले वो मिले टू आया थ्री टाइम्स और फाइव भी आया थ्री टाइम्स यानी कि क्या हुआ ट्रिपलेट्स पूरे हो गए तो आप लिख देंगे हे ऑल द फैक्टर्स ऑफ थाउजेंड आर इन द ट्रिपलेट्स सो थाउजेंड इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर नाउ सी द फोर्थ वन दैट इज हंड्रेड हंड्रेड के फैक्टर्स किए तो आपको टू मिला टू टाइम्स और फाइव मिला टू टाइम्स तो देखिए यहाँ पर ना तो टू के ही ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है और ना फाइव का ही ट्रिपलेट बन पा रहा है तो आप लिख देंगे हेयर ट्रिपलेट्स आर इनकम्प्लीट सो हंड्रेड इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर तो हंड्रेड एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर टू और फाइव दोनों के ही ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं नाउ द फिफ्थ वन दैट इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आप क्या करेंगे देखिए इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं इस तरह से प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे ईजिली देखिए टू से डिविजिबल है क्योंकि वन प्लेस पर सिक्स है कितने टाइम्स ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट अगेन क्योंकि वन प्लेस पर एट है टू से डिविजिबल है ये आ जाएगा फिर टू से ये नंबर डिविजिबल है ये आ जाएगा अगेन आपको पता है फर्दर प्रोसेस क्या है आप इस तरह से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे फिर आपने सारे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया राइट डाउन करने के बाद आपने देखा कि टू का पहला ट्रिपलेट बना टू का सेकेंड ट्रिपलेट बना थ्री का फर्स्ट uh, ट्रिपलेट बना और थ्री का ही सेकेंड ट्रिपलेट बना बट यहां पर कोई भी नंबर कोई भी डिजिट कोई भी फैक्टर ट्रिपलेट से बाहर नहीं है मतलब सब ट्रिपलेट में ही आ जा रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे हे ऑल द फैक्टर्स ऑफ फोर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आर इन ट्रिपलेट्स सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑप्टेन अ परफेक्ट क्यूब अब आपको यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ जो ये जो नंबर दिए हैं वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए इट मीन्स ये जो नंबर गिवन है ये नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस इन नंबर्स में हम किस छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करें तो और इस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नंबर बना दें इस तरह का क्वेश्चन हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी किया था तो वहाँ पर हमने टू टू की पेयरिंग ली थी क्योंकि वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था और यहाँ पर हम क्या लेंगे क्योंकि ये क्यूब एंड क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पर हम थ्री थ्री की पेयरिंग लेंगे और प्रोसेस वही सेम रहेगा तो देखिए फर्स्ट है टू फोर्टी थ्री तो टू फोर्टी थ्री को आपने सबसे पहले थ्री से डिवाइड कर सकते हैं एटी वन टाइम्स फिर एटी वन थ्री से ट्वेंटी सेवन टाइम्स ट्वेंटी सेवन थ्री से नाइन टाइम्स नाइन थ्री से थ्री टाइम्स और थ्री थ्री से वन टाइम आपने यहाँ पर सारे ये फैक्टर्स जो आए प्राइम फैक्टर्स उनको राइट डाउन कर लिया क्यों आपने देखा कि जो थ्री है वो फाइव टाइम्स है तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रिपलेट हमारा ये कंप्लीट हो गया अब देखिए सेकेंड ट्रिपलेट में हमें क्योंकि सेकंड ट्रिपलेट में सेकंड ट्रिपलेट बनाने के लिए हमारे पास दो बार थ्री है अगर यहाँ पर एक बार और थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आपको पता चल गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है थ्री है तो आप यहाँ पर लिख देंगे थ्री मस्ट बी नीडेड टू कंप्लीट द ट्रिपलेट सो रिक्वायर्ड नंबर इज थ्री बस आपको ये नंबर ही फाइंड आउट करके बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे कि इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए और इस तरह से हम उसको फाइंड फाइंड कर लेते हैं नंबर को नाउ सेकंड इज़ 256 तो so, 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू से 128 आ जाएगा टू से 128 को करेंगे 64 फोर टू से 64 को डिवाइड करेंगे 32 टू टू से 32 को करेंगे 16 टू से 16 को करेंगे 8 टू से 8 को करेंगे 4 टू से 4 को करेंगे 2 और टू से 2 को करेंगे 1 आपने यहाँ पर सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से लिख लिया ट्रिपलेट बनाएंगे पहला ट्रिपलेट ये बन गया सेकेंड ट्रिपलेट बन गया थर्ड ट्रिपलेट में देखिए टू मल्टीप्लाई बाई टू है यानी कि कितने टू की नीड है आपको वन एक, एक और बार अगर टू होता तो जो लास्ट वाला ट्रिपलेट है वो कंप्लीट हो जाता इट मींस यहां पर किसकी नीड है टू की तो आपने लिख दिया टू मस्ट बी नीडेड टू कंप्लीट द ट्रिपलेट सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू टू ओके नाउ थर्ड वन इज सेवेंटी टू उसी तरह से जैसे प्राइम फैक्टर्स बाकी के किए ऐसे ही सेवेंटी टू के भी करेंगे टू से डिवाइड होता है सेवेंटी टू थर्टी सिक्स टाइम थर्टी सिक्स टू से डिवाइड होता है एटीन टाइम्स एटीन टू से डिवाइड होता है नाइन टाइम्स नाइन थ्री से डिवाइड होता है थ्री टाइम्स और थ्री थ्री से वन टाइम आपने यहाँ पर सारे फैक्टर्स को लिख लिया तो देखिए टू का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और थ्री जो है वो कितनी बार है दो बार है यानी कि आपको ट्रिपलेट बनाने के लिए एक बार थ्री की जरूरत है देन थ्री बी नीडेड टू कंप्लीट द ट्रिपलेट सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू थ्री और नेक्स्ट वन इज 675 तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे तो आपने देखा कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल है 225 ट्वेंटी फाइव टाइम्स अगेन टू ट्वेंटी फाइव थ्री से डिविजिबल है सेवेंटी फाइव टाइम्स सेवेंटी फाइव थ्री से डिविजिबल है ट्वेंटी फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव फाइव से डिविजिबल होगा फाइव टाइम्स और फाइव फाइव से वन टाइम थ्री कितनी बार है टू बार थ्री बार और फाइव कितनी बार है टू बार यानी कि थ्री का ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन फाइव के ट्रिपलेट इनकम्प्लीट है और कब कंप्लीट हो जाएगा जब हम उसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू कैन राइट हेअर फाइव मस्ट बी नीडेड टू कंप्लीट द ट्रिपलेट सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू फाइव ओके यानी कि सिक्स सेवेंटी फाइव में अगर हम फाइव का मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा नाउ द लास्ट वन इज हंड्रेड हंड्रेड के फैक्टर्स किए है हंड्रेड के फैक्टर्स आपको मिल गए दो बार टू मिला और दो बार ही फाइव मिला अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो टू का भी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है और फाइव का भी कंप्लीट नहीं है इट मीन्स आपको एक तो टू चाहिए टू का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए और एक फ़ाइव चाहिए फाइव का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए इट मीन्स आपने यहाँ पर लिखेंगे टू एंड फाइव मस्ट बी नीडेड टू कम्प्लीट द ट्रिपलेट यानी कि आपको इन ऑल कितना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहिए टू मल्टीप्लाई बाई फाइव यानी कि टेन तो यानी कि जब हम हंड्रेड में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इस नंबर को एक परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकते हैं ओके लेट्स मूव टू द थर्ड थर्ड क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू अपटेन अ परफेक्ट क्यूब अब आपको यहाँ पर बताना है कि हम कौन से नंबर से ये जो नंबर्स गिवेन है उनको डिवाइड करें ताकि हम इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब बना दें तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे आ, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको बताना था वॉट शुड बी मल्टीप्लाइड यहाँ पर आपको बताना है वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड तो यहाँ पर भी हम प्रोसेस वही रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ट्रिपलेट्स बनाएंगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर होगा आफ्टर मेकिंग द ट्रिपलेट जो एक्स्ट्रा नंबर होगा उसको हम क्या कह देंगे दैट शुड बी डिवाइडेड तो देखिए किस तरह से होगा 81 के आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए है ना तो प्राइम फैक्टर्स में आपको यहाँ पर थ्री मिल गया फोर टाइम्स तो देखिए ये तीन थ्री नंबर्स को लेके हमने एक ट्रिपलेट पहला बना लिया ठीक है तो एक्स्ट्रा क्या बचा थ्री तो हम क्या लिख देंगे थ्री इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट सो तो एटी वन मस्ट बी डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि ये जो थ्री है ये एक्स्ट्रा है एटी एक वन में अगर आप थ्री का डिवाइड करें तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा नाउ नेक्स्ट इज़ वन ट्वेंटी एट आप वन ट्वेंटी एट के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो आपको टू मिल रहा है देखिए कितने टाइम्स सेवन टाइम्स तो सेवन टाइम्स टू मिला आपने इसको यहाँ पर लिख लिया पहला ट्रिपलेट ये बना दूसरा ट्रिपलेट ये बना क्या एक्स्ट्रा रह गया ये वाला टू तो आप लिख देंगे टू इज़ लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट सो वन ट्वेंटी एट मस्ट बी डिवाइडेड बाई टू प्रोसेस वही है सेम जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की थी बट द डिफरेंस इज वहाँ पर हम टू टू नंबर्स का पेयरिंग करते थे यहाँ पर हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं नाउ थर्ड इज़ वन थर्टी फाइव तो वन थर्टी फाइव सबसे पहले डिविजिबल होता है थ्री से थ्री से फोर्टी फाइव टाइम्स हो गया थ्री से फोर्टी फाइव फिफ्टीन टाइम्स हो गया फिफ्टीन थ्री से फाइव टाइम्स और फाइव वन टाइम यानी कि थ्री का ट्रिपलेट तो पूरा है और फाइव एक्स्ट्रा है ना फाइव इज़ लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट सो वन थर्टी फाइव मस्ट भी डिवाइडेड बाय फाइव टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नाउ फोर्थ इज़ वन नाइन्टी टू उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो हमें हमने देखा कि टू के दो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं और थ्री लेफ्ट आउट है तो आप लिख देंगे थ्री इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट सो वन नाइनटी टू इज डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय थ्री टू मेक वन नाइन्टी टू आ परफेक्ट क्यूब नंबर नाउ द लास्ट वन इज सेवन हंड्रेड फोर सेवन हंड्रेड फोर टू से डिविजिबल है थ्री फिफ्टी टू टाइम्स अगेन थ्री फिफ्टी टू टू से डिविजिबल है वन सेवेंटी सिक्स टाइम्स वन सेवनटी सिक्स टू से डिविजिबल है एटी एट टाइम्स टू से एटी एट फोर्टी फोर टाइम्स टू से फोर्टी फोर ट्वेंटी टू टाइम्स और टू से ट्वेंटी टू इलेवन टाइम्स और इलेवन इलेवन से वन टाइम तो आपने देखा टू है सिक्स टाइम्स तो टू का ये वाला ट्रिपलेट कंप्लीट सेकेंड ट्रिपलेट कंप्लीट वट इज द एक्स्ट्रा नंबर इलेवन सो इलेवन इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट सो सेवन हंड्रेड फोर मस् डिडेड बाई इलेवन

टू सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर अब उसको कितने क्यूबॉयड्स की और ज़रूरत होगी अगर वो इसको एक क्यूब में बनाना चाहता है ओके okay? अगर उसको इन क्यूबॉयड्स की हेल्प से अगर वो एक क्यूब बनाना चाहता है तो उसको ऐसे और कितने क्यूबॉइड्स की नीड होगी नाउ सी द सोल्यूशन दिस इज द सोल्यूशन गिवन नंबर क्या है आपको गिवन नंबर है फाइव टू एंड फाइव गिवन नंबर ये है अब बनाना है क्यूब तो अब देखिए क्योंकि क्यूब बनाना है तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर हम ट्रिपलेट्स ही देखेंगे हम यहाँ पर ये जो नंबर्स ये जो गिवन है इनके हम देखेंगे कि ट्रिपलेट्स कंप्लीट हैं या नहीं अगर नहीं है तो कित ट्रिपलेट्स बनाने के लिए किस किस की नीड है तो आपने देखा यहाँ पर जो फाइव है वो टू टाइम्स है ओके okay? और जो टू है वो कितने टाइम्स है वन टाइम है यानी कि फाइव का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए आपको एक वन टाइम फाइव चाहिए और टू का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए हमें टू कितने टाइम्स चाहिए टू टाइम्स चाहिए तो आपने क्या लिखा हेयर फाइव टू एंड टू इज नीडिड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ठीक है तो आप क्या कह देंगे देखिए तो फाइव मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू इतनी तो आपको क्यूबॉइड्स uh, की जरूरत है यानी कि कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत है फाइव टू जा टेन टू जा ट्वेंटी यानी कि आप लिख देंगे हैंड्स ही नीड्स ट्वेंटी क्यूबॉइड्स टू मेक अ क्यूब ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन फिनिश भी हो जाती है थैंक यू